हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। आज हम लोग इस सेशन में इस टॉपिक पर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे कि UPSC हुआ, UPPCS, BPSC, JPSC, MPPSC, SSC जैसे एग्जाम्स में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 1994 से लेकर 2019 तक सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स में हैं सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो आप लोग इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। फिर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है सबसे ऊंचा जलप्रपात। 4 ऑप्शन है, आप लोग भी मेरे साथ अपना आंसर मार्क कीजिए, और जब मैं आंसर कर बताऊंगी सही आंसर बताऊंगी तो आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा और मुझे इस सेशन के एंड में बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? तो वो है कुजिकल जलप्रपात। ठीक है, कुजिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। ठीक है, कुजिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कुजिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि ये भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है। तो कुजिकल जलप्रपात की जो ऊँचाई है वो है 455 मीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, कुजिकल जलप्रपात की जो ऊँचाई है वो है 455 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो किस राज्य में है? हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा है कि वो कौन सा जलप्रपात है, वो है कुजिकल जलप्रपात और उसकी ऊंचाई है 455 मीटर। यह किस राज्य में है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, तो कुजिकल जलप्रपात जो है, जो कि भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कुजिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, यह है कर्नाटक राज्य में स्थित। ठीक है, कुजिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के नीदागोडू गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नदी का नाम बताना है जिस पर कुजिकल जलप्रपात स्थित है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के नीदागोडू गांव के पास है। तो यह स्थित है किस नदी पर? यह स्थित है वराही नदी पर। ठीक है, वराही नदी पर स्थित है कुजिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। यह है भारत की सबसे ऊँची जलप्रपात, यह है कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के नीदागोडू गाँव के पास। ठीक है, वराही नदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जो जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात है, इसे हम लोग जोगारा गुंडी भी कहते हैं, या किस नदी पर स्थित है? इस नदी का नाम बताना है जिस पे जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात, या जिसे हम लोग जोगारा गुंडी भी कहते हैं, वह स्थित है। तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है सरावती नदी। सरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, इसे जोगारा गुंडी या गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, या कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ठीक है, सरावती नदी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? जोग जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो हमें बतानी है, इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 253 मीटर ऊंचाई है जोग जलप्रपात की, जिसे गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, या कर्नाटक के शिमोगा जिले में, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है। ठीक है, 253 मीटर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोगियाघर सुप्पा जलप्रपात जो है उसका नया नाम क्या है। जोगियाघर सुप्पा जलप्रपात जो है उसको नया नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, चारों में से हमें वो बताना है। हम लोग इसके बारे में जब तक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यह है कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर और यह स्थित है सरावती नदी पर। ठीक है, तो इसका नया नाम क्या दिया गया है, तो इसका जो नया नाम है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये कि जोगियाघर सुप्पा जलप्रपात का जो नया नाम दिया गया है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। लेट्स मूव अहेड। गड़सुप्पा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ, जिसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, सरावती नदी पर स्थित है। यह कहाँ है, यह अवस्थित है पश्चिमी घाट में। ठीक है, जोग जलप्रपात या गड़सुप्पा जलप्रपात जो है वो अवस्थित है पश्चिमी घाट में सरावती नदी पर, याद रखिएगा 253 मीटर की ऊंचाई है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, बताना है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है वो स्थित है नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपिलधारा जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि यह किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर, और इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो राज्य का नाम बताना है, तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। कपिलधारा जलप्रपात का किसी भी क्वेश्चन में अगर आए, पूछा जाए किस राज्य में है, तो बताइएगा मध्य प्रदेश, और किस नदी पर पूछा जाए तो बोलिएगा नर्मदा नदी। ठीक है, सही टिक करके आइएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, कपिलधारा जलप्रपात, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, नदी का नाम बताना है। तो वह नदी है कावेरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, आंसर सुना होगा, तो इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो उस नदी का नाम है कावेरी, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, कावेरी नदी पर बनाया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, आंसर आप लोगों को बता ही होगा, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो अवस्थित है कावेरी नदी पर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात का कहीं भी जिक्र आएगा और पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो आप लोग कावेरी नदी टिक करके आएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है इस पर जो स्थित है जल विद्युत गृह, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि यह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, तो यह किस राज्य में स्थित है ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, एग्जाम में अगर ये भी पूछा जाए कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस जलप्रपात पर स्थित है, तो बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, किस राज्य में है ये बताना है। तो राज्य का नाम है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, जिस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह बना हुआ है या स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट्स मूव अहेड।
अगला क्वेश्चन भी हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात से ही है। पूछा गया है कि यह कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यह कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक के किस जिले में स्थित है वो पूछा गया है। तो जिले का नाम क्या है? जिले का नाम है मैसूर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ठीक है, मैसूर जिला याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जलप्रपात का नाम है। यह किस नदी पर स्थित है यह बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ, चारों नदी का नाम है, तो बताना इन नदियों में से कौन से नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। पूछा गया है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिला का नाम बताना है। तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश की, और नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में जैसे कि किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो जबलपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कौन से जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जो जलप्रपात है उसे नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। लेट्स मूव अहेड। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन में कॉन्फर्मेशन मिल गई कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ये बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है, जिसे नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे भी जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे हम नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, बस्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है? नदी का नाम बताना है जिसपे चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। तो वो नदी है इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है चित्रकूट जलप्रपात। हम लोग रिवाइज कर लें एक बार, चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में अवस्थित है। इसे हम लोग नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे भी जानते हैं, और यह है इंद्रावती नदी पर अवस्थित। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनाल जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है? मेनाल जलप्रपात किस राज्य नहीं सॉरी जिले में स्थित है? जिला पूछा गया है इसमें। चार ऑप्शन हैं, जिला चार जिला के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। बताना है कि मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़गढ़। मेनाल जलप्रपात स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में है मेनाल जलप्रपात स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर है मेनाल जलप्रपात अवस्थित?
नदी का नाम बताना है इस क्वेश्चन में जिस पर मिनाल जलप्रपात अवस्थित है। कौन से नदी पर है, नदी का नाम बताना है। नदी का नाम है मेनाली नदी। इसको आप बहुत अच्छे से आप लोगों को आई थिंक याद रहेगा, काफ़ी मैचिंग है ये। नदी का नाम है मेनाली और इस पर जो जलप्रपात है वो है मेनाल जलप्रपात। किस राज्य, किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ में। हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा है, ठीक है। तो मेनाली नदी पर है मेनाल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वझाचल जलप्रपात जो है वो केरल के किस ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया है आप लोगों को कि वझाचल जो जलप्रपात है वो केरल में स्थित है, तो केरल के किस ज़िले में स्थित है, जिला का नाम बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। जिला का नाम है त्रिशूर। त्रिशूर ज़िले में स्थित है, केरल का जो त्रिशूर ज़िला है वहाँ पर वझाचल जलप्रपात स्थित है, ठीक है। वझाचल जलप्रपात केरल के त्रिशूर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। वट्टापराई जलप्रपात, जलप्रपात का नाम है वट्टापराई, जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी ज़िले में है। यह जलप्रपात किस नदी पर है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप लोग प्लीज़ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है नोट करते चलिएगा, क्योंकि रिविज़न के टाइम में बहुत आप लोगों को आसानी होगी इससे रिवाइज करने में। तो वट्टापराई जो जलप्रपात है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी ज़िले में है। तो यह जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, नदी का नाम बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो वो जो नदी है उसका नाम है पाझेयार नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पाझेयार नदी पर है वट्टापराई जलप्रपात, जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी ज़िले में है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। पाझेयार नदी जिस पे है वट्टापराई जलप्रपात, जो कि है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी ज़िले में, ठीक है। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थलैयार जलप्रपात है एक, जिसे रेड टेल भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको कि थलैयार जलप्रपात है जिसे रेड टेल भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है थलैयार जलप्रपात। और इसे क्या कहते हैं, इसे रेड टेल भी कहा जाता है, ठीक है। रेड टेल याद रखिएगा, रेड टेल कहा जाता है थलैयार जलप्रपात को, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराकाना जलप्रपात, या जो यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बराकाना जलप्रपात यह कर्नाटक में है, यह जो है यह एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यानी कि सोर्स है। तो यह किस ज़िले में स्थित है, यह बताना, यह कर्नाटक के किस ज़िले में स्थित है। तो ज़िला का नाम है शिमोगा। कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है बराकाना जलप्रपात, जो कि एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। बराकाना जलप्रपात एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन है, ठीक है। इधर नदी का नाम है और फिर जलप्रपात का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से कौन युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बताना है। यानी कौन सा जो पेयर है वो मैस्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोध बराकर। बराकर नदी जो, नदी जो है उस पर लोध परियोजना, ये लोध जलप्रपात नहीं है, ठीक है। जोन्हा जो जलप्रपात है वो राहो नदी पे है, ये भी सही है।
हुनरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी सही है। दसोंग जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन लोथ जलप्रपात जो है वो बराकर नदी पर नहीं है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा गया है इसमें कि कौन सा जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो लोध जो जलप्रपात है वो बराकर नदी पर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक उल्लेखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है। इधर आपको जलप्रपात का नाम दिया गया है, इधर नदी का नाम दिया गया है, बताना है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है वो हमें पता करना है इसमें से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है। आप लोगों ने अभी प्रीवियस अगर क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को याद होगा कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, मतलब कि बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, लेकिन जोग जलप्रपात जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है हुनरू या किस जगह के पास है। यहाँ पे एशिया के बारे में पूछा गया है कि एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है हुनरू या किस जगह के पास है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है यह पास है कहाँ, किसके, बताना है। यह पास है जमशेदपुर के, जो कि है झारखंड में। तो जमशेदपुर के पास है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है हुनरू। याद रखिएगा, हुनरू नाम है एशिया के सबसे बड़े जलप्रपात का, यह है जमशेदपुर के पास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। नदी का नाम बताना है, चार ऑप्शन है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो है वो स्थित है कैरोनी नदी पर। याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात है कैरोनी नदी पर, कैरोनी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही फेमस ये जलप्रपात है काइटेयर, ये किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटारो। काइटेयर जलप्रपात जो है वो काफ़ी फेमस जलप्रपात है, यह स्थित है पोटारो नदी पर। ठीक है, पोटारो नदी पर स्थित है काइटेयर जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है पूछा गया है। चार ऑप्शन है आपके पास। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। फ्रेंड्स, इस तरह जो आज का हमारा सेशन है वो एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो एटलीस्ट लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, हम लोग इतना एफर्ट लगाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं और एक शेयर भी कर ही सकते हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें दीजिए ताकि हम लोग और अच्छे सेशन आपके लिए ला पाएँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने इसमें से क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 32 सही हुए हैं। सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आई होप आप लोगों ने बिना स्किप के सेशन को देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।